हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स। आई एम ऐश्वर्य दुबे। आज मैं आप लोगों के आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, जो है लिनिन। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइबर के प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फाइबर के टाइप्स पढ़े थे, और एक फाइबर जो कॉटन, सेलुजोइक फाइबर एक जो था वो कॉटन, दूसरा ये सेलुजोइक फाइबर है जो कि लिनिन, उसको आप आज कवर करेंगे। आइए तब देखते हैं। बेसिकली सेलुजोइक फाइबर है, लिनन जो है वो किससे कंपोज्ड हुआ है? हमारा कंपोज्ड हुआ है वो किससे? सेलुलोज से। ओके, इट इज़ ए नेचुरल सेलुजोइक बास्ट फाइबर। बास्ट मतलब ये जो तने वाला तना, ये आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये है, यहाँ से ये निकलता है, ठीक है, यहाँ से ये रेशे निकलते हैं। तो ब्लाब ये कौन सा है? बास्ट फाइबर है। और क्या है ये? सिंगल सेलुलर नहीं है, ये है मल्टी सेलुलर। ओके, और दूसरी चीज, ये जो बास्ट फाइबर्स होते हैं, फाइबर आपस में अटैच होते हैं एक दूसरे से, किसके हेल्प के थ्रू? क्या सब्सटेंस होता है? एक गमी सब्सटेंस होता है जो कि जिसको नाम है क्या? पेक्टिन। द गमी सब्सटेंस फ्लेक्स फाइबर आर हेल्ड टुगेदर बाय अ गमी सब्सटेंस नोन एज पेक्टिन। ओके, तो ये एक पेक्टिन, और पेक्टिन एक चीज़ और आपको पता होगी कि पेक्टिन जो है वो सेलुजोइक नेचर का है। ओके, और इसका प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन क्या है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन ये है नेचुरल, नेचुरली मिलता है। केमिकल क्या है इसका? केमिकल टाइप क्या है? सेलुजोइक टाइप है केमिकल का। जेनेटिक नेम क्या है? कहाँ से मिलता है ये? ये है बास्ट हेयर, ठीक है, तने से मिलता है हमें। अ कॉमनली नेम नोन एज लिनन या फिर फ्लैक्स। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं किस तरह से इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आपको आते हैं स्टेप्स लगाने के लिए, ठीक है। दो तीन चार आपको टॉप पॉइंट्स दे देगा, उसके बाद में आपको एक स्टेप में अरेंज करना होगा, वो ये यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो देखिएगा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है पहले प्लांटिंग। प्लांटिंग इसकी कब करते हैं हम? प्लांटिंग इसकी करते हैं मार्च और अप्रैल में। ओके, फिर हम उसको कल्टीवेट करेंगे। प्लांटिंग कर दिया, फिर अब हम उसको ग्रो करेंगे, ठीक है। ग्रो हो जाने के बाद में फिर हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। अब फिर हमने कटाई करके रख ली, जैसे ये देखिए, ये था, ये प्लांटिंग थी, ये देखिए ये हार्वेस्ट करके रखा हुआ है, ये काट करके रखा हुआ है। ओके, फिर अब हमारा क्या आता है? अब हमारा प्रोसेस आता है रैपलिंग। रैपलिंग में क्या होता है? जो सीड्स और जो लीव्स है ना, उनको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि भैया हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए बास्ट। बास्ट फाइबर है ना, सिर्फ और सिर्फ तना चाहिए। ये देखिए, ये सीड्स और जो ये लीव्स है ना, ये वाला पार्ट, ये इसको हम हटा देंगे, सिर्फ हमारे हमको क्या चाहिए? ये तने वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बास्ट हेयर फाइबर है। ओके, ये बास्ट हेयर फाइबर है, तो इसलिए हमको कौन सा पोर्शन चाहिए? हमको सिर्फ और सिर्फ बास्ट वाला फाइबर चाहिए, मतलब कि तने वाला जो पोर्शन है वो चाहिए, स्टेम वाला जो पोर्शन है वो चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रैपलिंग करते हैं। रैपलिंग के बाद में क्या आता है हमारा? रेटनिंग। रेटनिंग प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? रेटनिंग प्रोसेस होता है जो हमारा गमी सब्सटेंस है ना, कौन सा गमी सब्सटेंस? गमी सब्सटेंस हमारा है पेक्टिन, ठीक है। जो हमारा गमी सब्सटेंस है उसको हम लूज करते हैं, ठीक, तभी तो हमारा एक एक फाइबर्स निकल करके आएगा उसमें से, किसमें से? स्टॉक, जो बास्ट है हमारा, जो तना है, तने में से एक एक फाइबर हमारा निकल के आएगा। कब आएगा? जब गमी सब्सटेंस जिसने होल्ड कर रखा है फाइबर्स को एक साथ में, वो जब लूज हो जाएगा, तो उस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं? उसको रेटनिंग करते हैं, ठीक है। तो रेटनिंग हमारे कितने तरह की है? रेटनिंग हमारे पांच टाइप की। ओके, तो पांच टाइप की देखिए रेटनिंग कौन कौन सी है। एक पहली रेटनिंग होती है हमारी ड्यू रेटनिंग, या फिर हम इसको कहते हैं फील्ड रेटनिंग, ठीक है। जो पहली टाइप है वो हमारा कौन सा है? ये वाली जो टाइप है, ये कौन सी है हमारी? ड्यू रेटनिंग या फिर फील्ड रेटनिंग। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? फ्लैक्स प्लांट को कट कर लिया हमने, ठीक, क्या कर लिया हमने? उसको हार्वेस्ट कर दिया, काट लिया, उसकी कटाई करके उसके बाद में हम उसको लैंड पे डाल देते हैं। लैंड पे डाल के हम उसको छोड़ देते हैं कितने दिन के लिए? 3 से 4 सप्ताह के लिए। 3 से 4 सप्ताह के लिए हमने छोड़ दिया। वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट पड़ेगा, तो उसके वजह से क्या होगा? जो गमी सब्सटेंस है, जो सेलुजोइक सब्सटेंस है, वो वीक होगा। कैसे होगा? वो सड़ेगा ना, सड़ेगा, गलेगा, तो जो गमी सब्सटेंस है वो वीक हो जाएगा। तो वीक होने की वजह से क्या होगा? हमको ब्लास्ट फाइबर्स मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रोसेस चलता है, और ये स्लो प्रोसेस चलता है, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस चलता है।
कौन सा? ड्यू रेटनिंग। ओके, फिर हमारा आता है कौन सा दूसरा टाइप है हमारा? पूल रेटनिंग। पूल रेटनिंग में आपने देखा होगा बंडल्स बनाते हैं। ये देखिए, ये एक तालाब है, इसके अंदर हमने बंडल्स बनाया और किसी एक हैवी चीज़ से उसको टिप कर दिया नीचे के अंदर। क्या करा हमने? टिप कर दिया। कितने के लिए टिप करा? ये देखिए, ये उससे कम का है, टाइम लेता है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली ये 1 मंथ का समय ले ले रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है हमारा, 10 से 15 दिन का समय लेता है। ओके, और इसमें कौन सा, किस तरह के फ्लैक्स होते हैं हमारे? ब्लूइश ग्रेइश टाइप के होते हैं। ओके, इसमें हमारे ग्रेइश टाइप के होते हैं, ये ड्यू वाले में हमारे ग्रेइश टाइप के होते हैं प्रोड्यूस। और हमारे पोल रेटनिंग या फिर डैम्प रेटनिंग में कौन से होते हैं? ब्लूइश ग्रेइश टाइप के प्रोड्यूस होते हैं। फ्लैक्स का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? ब्लूइश ग्रेइश टाइप। किसमें? पोल पोल या डैम्प रेटनिंग में। ओके, फिर एक तीसरे तरह की हमारी रेटनिंग प्रोसेस आएगी, तीसरे तरह की हमारी है स्टीम रेटनिंग। स्टीम रेटनिंग और कम टाइम लेता है, लेती है हमारी। तो स्टीम रेटनिंग में बेसिकली क्या करते हैं, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से है। इसमें हम पानी भर के रखते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, स्टीम जनरेट कराते हैं। फिर इसके अंदर हम स्टीम इनपुट करते हैं, स्टीम का इनपुट करवाते हैं। तो स्टीम का इनपुट के वजह से क्या होगा, ये उससे हम वीक ऑन वीक करवाएंगे। किसको? पेक्टिन को, ठीक है। मेन मकसद हमारा क्या है? मेन मकसद इसमें यही है हमारा, सिंपल सी बात है। रेटनिंग में हमारा मेन चीज़ है, मेन ये है कि हमको जो पेक्टिन है उसको वीक आउट करना है, उसको ख़त्म करना है। तभी तो हमारा एक 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 फाइबर्स अलग होगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर जो फाइबर है हमारा, मल्टी सेलुलर ब्लास्ट फाइबर जो है, मल्टी सेलुलर ब्लास्ट सेलुजोइक फाइबर है जो लेनिन, वो तभी हमको मिलेगा जब हमारा पेक्टिन जो है वो वीक आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने क्या करवाया, स्टीम जनरेट करवाई, इसके अंदर स्टीम दी, ठीक। तो ये प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 दिन की होती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये वेट ट्रेटनिंग होती है। वेट ट्रेटनिंग में हम क्या करते हैं, इस तरह का वेट जो बोलते हैं, वेट बेसिकली बोलते हैं हम वुडन कंटेनर को। ओके, वेट ट्रेटनिंग वुडन कंटेनर को तो बोलते हैं, जिसमें जैसे विस्की विस्की को भी जब हम एजिंग करते हैं तो वुडन के अंदर करते हैं ना, तो वो भी वेट का प्रोसेस होता है, ठीक है। वेट एजिंग उसको कहते हैं। तो ये जो वेट जो वर्ड है, वेट बेसिकली हम वुडन के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, वुडन कंटेनर में हम 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको डिप करके रख देते हैं। वाटर डालते हैं वुडन कंटेनर में, उसके बाद में इसको डाला और फिर पैक करके बंद करके हमने इसको छोड़ दिया, ठीक। तो उससे क्या होगा, हमारा जो पेक्टिन है वो डिसोशिएट हो जाएगा, वो हमारा गल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, मल्टी सेलुलर ब्लास्ट फाइबर। ओके, फिर एक प्रोसेस है हमारा, लास्ट प्रोसेस है हमारा, पांचवा प्रोसेस है, वो है हमारा केमिकल रेटनिंग। एक तो हम इसमें क्या करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये आपको टब दिख रहे होंगे, इस तरह से हमने बास्ट फाइबर्स के बंडल्स बनाए हैं। बंडल्स बना करके इनको हमने डाल दिया है केमिकल्स के पीछे। कौन कौन से? जैसे कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, वो है हमारा सल्फर हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो ये हमारे केमिकल्स होते हैं। और उसके बाद में फिर इनमें से हम इसको निकाल लेंगे। ये 1 से 2 दिन का प्रोसेस होता है ये बहुत। जैसे जैसे हमारा केमिकल रेटिंग में क्या है कि होता क्या है ना, दरअसल देखिए, केमिकल रेटनिंग में हमारा कंपेरेटिवली अगर हम करें ड्यू रेटनिंग के और केमिकल रेटनिंग में, तो ड्यू रेटनिंग वाला जो फाइबर है वो हमारा मोर स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरेटिवली ड्यू केमिकल रेटनिंग के, ठीक है। केमिकल रेटनिंग वाला हमारा लेस स्ट्रॉन्ग होता है, बट केमिकल रेटनिंग वाला जो प्रोसेस है वो टाइम कम लेता है। ओके, तो उसके बाद में फिर हमने क्या करा, रेटनिंग हो गई, फिर हम उसको स्टीमिंग करेंगे। स्टीमिंग कर ली हमने, स्टीमिंग करने के बाद में ये हमारा रेटनिंग का प्रोसेस हो गया। ओके, ठीक है। या तो हम ड्यू कर लें, या तो हम पूल वाला कर लें, या तो हम केमिकल कर लें, या तो हम वेट कर लें, कोई भी प्रोसेस हम कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, टाइम क्या है, क्या चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद में हमारी रेटनिंग प्रोसेस हो गई। ओके, तो फिर अब हमारी सिक्स्थ प्रोसेस आती है। सिक्स्थ प्रोसेस है हमारी ड्राइंग। क्या करेंगे, अब उसको सुखा देंगे। ओके, सुखाने के बाद में अब जब वो सूख गया, तो उसके बाद में हम ब्रेकिंग करेंगे। भाई हमको निकालना है ना, बास्ट से हेयर्स निकालने हैं ना हमको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं। अब उसको तोड़ते हैं किसी भी मोटे से लेके के स्टेक स्टैक्स को, जो गट्ठे हैं हमारे, उनको क्या करेंगे हम, वुडन उससे लेकर के हम उसकी को तोड़ेंगे, ठीक है, ब्रेकिंग करेंगे। ब्रेकिंग करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, स्काउचलिंग करते हैं। स्काउचलिंग बेसिकली क्या है, ये और ये हैकलिंग, इन दोनों को समझ लीजिएगा। स्काउचलिंग सिंपल सा प्रोसेस है, वो है तने से रेशों को निकालना।
ये देखिए, ये रेशे निकाल रही हैं, ये इस डायग्राम में ये क्या है, ये रेशों को निकाल रही हैं तने से, ठीक। ये सिंपली क्या है, एक स्टिक से लेकर के उसको मार रही हैं वुडन से, ठीक। तो जिससे क्या है कि रेशे निकल जाए, क्यों, क्योंकि भैया हमारे पेक्टिन पेक्टिन तो रेटनिंग के वजह से डिजॉल्व हो गया है, तो अब हमारे क्या बने, बास्ट में क्या बचा है, हमारे रेशे बचे हैं, ठीक है, जो तने के ऊपर जो रहते हैं वो बचे हैं, पेक्टिन डिजॉल्व हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वुडन से उसको बीट करेंगे, अब बीट करके हम क्या करेंगे, उसकी स्कॉचलिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या है, रिमूवल ऑफ वुडी पार्ट फ्रॉम द फाइबर्स, ठीक, वुडी पार्ट को अलग कर लेंगे, फाइबर अलग हो गया, वुडी पार्ट अलग हो गया, ओके। फिर हैकलिंग प्रोसेस होता है, हैकलिंग प्रोसेस इज सिंपली नोन एज कॉम्बिंग, सिंपली कॉम्बिंग। देखिए ये जैसे डायग्राम में है, ये कंघी है, ये कॉम्बलिंग है, ये बेसिकली किस लिए होता है, ये होता है हैकलिंग प्रोसेस होता है हमारा ओरिएंटेशन के लिए। ये देखिए, ये वाला आप फाइबर देख रहे होंगे तो ये इतना ओरिएंटेट नहीं होगा, ठीक है ना, इनमें इतना ओरिएंटेशन नहीं होगा कंपेरेटिवली जितना हमारे इस वाले में आपको ओरिएंटेशन दिख रहा है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये कितना कैसा है, अजीब सा है ना। ये देखिए, जैसे अपने बाल होते हैं तो हम जैसे नहा के निकले तो ये उस तरह से है, ये देखिए, ये हमने कॉम्ब कर लिया, अपने हेयर को कॉम्ब कर लिया, तो ये एक स्ट्रेट हो गया। तो सिंपल सा जो स्ट्रेट करने का प्रोसेस होता है वो क्या है, हैकलिंग का। अब ये हैकलिंग हो गई, ठीक, तो ये फाइबर थे, अब ये फाइबर है, अब ये जाएगा किस में, फिर जाएगा ये हमारा थ्रेड बनने में, आगे आगे जो प्रोसेस होगा हमारा उसमें चला जाएगा, ओके। तो फिर से देख लीजिए एक बार, अक्सर आता है, अक्सर चालू करता है वो रेटनिंग से करता है प्रोसेस, क्या है, रेटनिंग, रेटनिंग के बाद में फिर हमारा ड्राइंग, ड्राइंग के बाद में फिर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के बाद में फिर हमारा कौन सा प्रोसेस आता है, स्काउचलिंग, स्काउचलिंग के बाद में हमारा हैकलिंग, ओके। तो हम फिर से देखते हैं पूरा का पूरा 8-9 का प्रोसेस, हम फिर से एक बार देख लेते हैं, प्लांटिंग, कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग, रैपलिंग, रेटनिंग, फिर ड्राइंग, ब्रेकिंग, देन स्काउचलिंग एंड देन हैकलिंग, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे चलते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, देखते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन सिंपल सी बात है, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सेलुजोइक नेचर होता है। देखिए ये एक एक बेसिक यूनिट है, सेलुजोस की बेसिक यूनिट है, कौन सी, सेलुबायोस, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिक यूनिट है हमारे। उसके बाद में ऐसे सेलुबायोस कई मिले मिल करके हमारे क्या, सेलुलोज बनाएंगे, और सेलुलोज हमारे क्या बनाएंगे, सेलुलोज ही हमारे क्या होंगे, फ्लेक्स, ठीक। कितने सेलुलोज हमारे मिलेंगे, कितने, 18,000। तो इसका पॉलीमराइजेशन डिग्री कितनी है, 18,000, ठीक। कॉटन की कितनी थी, 5,000, इसकी कितनी है, 18,000, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलीमराइजेशन डिग्री से, ठीक। आइए अब हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ में पहले हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, कि भैया हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कैसा दिखता है। माइक्रोस्कोपिक का आपको प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया था कॉटन में, कि हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को जब भी देखते हैं तो दो तरीके से देखते हैं, कौन कौन से, पहला हम देखते हैं उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके, और सेकेंड हम उसको देखते हैं कैसे, क्रॉस सेक्शन करके, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे, क्रॉस सेक्शन आपको बताया था इस तरह से हम कट करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलरली कट करेंगे, ओके। आइए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ये क्या है कि हमारा एक फ्लैट रॉड शेप का दिखेगा, जैसे नोट्स होते हैं, आपने बम्बू देखी होगी ना, उसी तरह से सेमली दिखता है। तो हम इसको ऐसे कट करते हैं तो बम्बू की तरह से हमको दिखता है, ये देखिए, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है इसका, ये देखिए, ये नोट्स है ना कई जगह पे, विथ नोट्स, ठीक। तो ये फ्लैट रॉड है विथ नोट्स, जैसे या तो वो देख लीजिए, या तो आप शुगर केन का देख लीजिए, उनसे कंपेरिजन कर लीजिए, या आप बम्बू देख लीजिए, ठीक है, तो जो बांस होता है उसी की तरह ये दिखता है, सिंपली रॉड एक शेप, ओके। फिर उसके बाद में पॉलीगोनल, क्रॉस सेक्शन क्या है हमारा, पॉलीगोनल, पॉलीगोनल जो बेसिकली होता है, ये राउंड स्ट्रक्चर होगा, बट कोई एक मतलब इसका क्या है पॉलीगोनल का, कि कोई एक निर्धारित इसका शेप नहीं होगा, ओके, कोई एक निर्धारित शेप नहीं है। अब देखिए, ये इस तरह से, ये सिंपली बेंजीन टाइप में है, बट ये इस तरह से नहीं है, ये सबका अलग अलग वो है, शेप है, ओके, ठीक है।
तो ये पॉलीगोनल शेप का होता है। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? पॉलीगोनल का, बट राउंडेड एज। भैया ये राउंडेड एज होते हैं, ये जो एज हैं ये राउंडेड हैं, ठीक है, नुकीले नहीं होते, इस तरह से नहीं होते, पॉइंटेड नहीं होते, ये क्या होते हैं? राउंडेड होते हैं। इसीलिए राउंडेड एज होने के कारण ही इसका जो लश्कर है ना वो ज़्यादा होता है। भैया मैंने आपको पहले ही क्लासेस में आपको बताया था लश्कर सिंपली क्या होता है। लश्कर सिंपली ये होता है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना, ये हमारा राउंडेड था, ठीक। लश्कर कैसे पता करते हैं? भैया ये जो आई हमारी लाइट आई और ये हमारी डेविएशन हुई, तो ये जो डेविएशन एंगल कितना बना रही है ना, उस पर लश्कर हमारा डिपेंड करता है। जितना कम हमारा डेविएशन एंगल होगा ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो लश्करश होगा, उतना ज़्यादा उसमें चमक होगी, लश्कर मतलब चमक। तो ओके, तो सिंपल सी बात है कि ये राउंडेड एज होने की वजह से इसका क्या है, लश्कर ज़्यादा है। अभी आगे हम प्रॉपर्टी में देखेंगे। और क्या है, सेंट्रल ल्यूमेन जो है वो विजिबल है। ये देखिए, ये आपको विजिबल दिख रहा है, एकदम कुछ नहीं है, बस अंदर है, ये अंदर है, ये हमारा जाइलम फ्लोएम की जो कैविटी होती है बीच में वो है, ठीक है, जो पानी को ले जाती है, ले आती है, ओके, जो फाइबर्स होते हैं हमारे वो है, और ये पूरे विजिबल है, और कोई शेड्स नहीं, कुछ नहीं, ठीक। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या है, लेंथ तो बड़ी होती है इनकी, ठीक है, फ्लेक्स फाइबर के अप्रॉक्सीमेटली क्या है ये 5 से लेकर के 12 इंचेस के होते हैं, ओके। और फिर हमारी लश्कर हाई, हाई बताया था आपको, हाई नेचुरली लश्कर इसका हाई होता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉटन में हम क्या करते थे लश्कर देने के लिए, हम कॉटन में प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा आप, कॉटन में हम क्या करते थे, हम करते थे मर्सराइजेशन लश्कर को देने के लिए, ओके। बट इसमें क्या है, नेचुरली हाई है। क्यों हाई है, नेचुरली क्यों हाई है, क्योंकि इसका हमने पढ़ा था कि पॉलीगोनल और क्या राउंडेड शेप का होता है, ठीक है, तो इस वजह से इसका लश्कर हाई है। इसकी टेनिसिटी भी हाई है, ठीक है, ग्राम पर डेनियर है, टेनिसिटी को मेजर करने की, टेनिसिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक। लिनन के कपड़े स्ट्रांग होते हैं ना, टेनिसिटी भी इसकी ज़्यादा है कंपेरेटिवली। वहाँ पे कितनी थी उसकी, 3.5 के अप्रॉक्सीमेटली थी, इसकी कितनी, 5.5 है। ये जितने भी हमारे नेचुरल है उसमें सबसे ज़्यादा इसकी टेनिसिटी है, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है, 1.5 है, ओके। इलांगेशन और जो इलास्टिसिटी है वो कम है, क्यों, क्योंकि इसकी टेनिसिटी ज़्यादा है, टेनिसिटी मतलब कि वो स्ट्रांग है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस है वो कम है इसमें, ठीक, तो स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो उतनी इसकी इलास्टिसिटी भी लूज करेगी ना, है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रांग होगा ज़्यादा तो वो ज़्यादा फैलेगा नहीं, ओके। तो इसीलिए क्या है, इलांगेशन, इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी, तीनों प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दो है। और मॉइस्चर रिगेन मतलब कि एटमॉस्फियर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, फिर से रीएब्जॉर्ब करना, वो क्या है इसका, वो सबसे ज़्यादा है, कितनी है उसकी, 12% की है, ओके, ठीक। फिर हम आते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या, सेम एज अ कॉटन, ओके। आयरनिंग टेम्परेचर कॉटन से ज़्यादा है इसका। आयरनिंग टेम्परेचर हमारा कितना है, मतलब कि हम इसको प्रेस कितने पे करना होता है, प्रेस ज़्यादा पे करना होता है, कितने पे, 160 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। बर्निंग टेस्ट, बर्निंग टेस्ट में हमारा कौन कौन सा है, इनफ्लेम टेस्ट, इनफ्लेम टेस्ट है बर्न क्विकली विथ ब्राइट फ्लेम, ठीक। ये आउट ऑफ फ्लेम क्या है, बर्न ब्राइट फ्लेम लेके करेगा विथ आफ्टर ग्लो, ठीक है। ये हमने उसको जला करके कैंडल से बाहर लगा निकाला ना, ये देखिए ये ब्राइट दिख रहा है हमको, ओके। स्मेल कैसा होगा इसका, बर्निंग पेपर, बर्निंग पेपर क्यों, क्योंकि सेनोजोइक नेचर, ठीक है। रेसिड्यू क्या है, रेसिड्यू इसका है पेल ग्रे पाउडर डैश, ठीक है, रेसिड्यू इसका क्या है, पेल ग्रे पाउडर ऐश के फॉर्म में इसका रेसिड्यू मिलता है, सेम एज कॉटन, कॉटन में भी यही चीज़ से थी। उसके बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारी कॉटन के ही तरह है, कॉटन के तरह है, क्या है, कॉटन भी हमारा क्या था कि एसिड का जो है, जो हाई एसिड्स थे, ठीक है, उनसे क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड्स का ये रेजिस्टेंट नहीं होता, कौन, हमारा सेलुजोइक क्या, फ्लेक्स फाइबर जो है वो हमारे कंसनट्रेटेड एसिड से रेजिस्टेंस नहीं करते, जबकि एल्कलाइन से ये क्या है, हाईली रेजिस्टेंट है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, जो क्लोरीन के ब्लीचेस होते हैं ना उसको हम यूज़ करते हैं। अगर हमको इसमें से स्टेन को रिमूव करना है, धब्बों को रिमूव करना है, दाग धब्बों को,
तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम उसको ब्लीच करते हैं। ब्लीच किससे करते हैं, हम क्लोरीन से करते हैं, तो इजीली हमारे स्टेन्स रिमूव हो जाते हैं। और क्या है हमारा फ्लैक्स, फ्लैक्स इज़ अ हाईली रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, फ्लैक्स हमारा क्या है, हाईली रेजिस्टेंट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए। ठीक, तो जैसे ये हमारे एल्कोहल हुए, ये सब जो हुए ये हमारे, क्योंकि है क्या चीज़, देखिए ड्राई क्लीन में क्या करते हैं, हम एल्कोहल का यूज़ करते हैं ना, तो जो एल्कोहल के जितने भी हैं हमारे उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये करता है ऑर्गेनिक के लिए, तो ऑर्गेनिक में हमारे क्या होंगे, जो कार्बन युक्त होंगे। ठीक है, कार्बन युक्त हो गए या फिर एल्कोहल हो गए, ठीक है, ओएच के युक्त, उनकी बात हो गई। ठीक, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हम बेसिकली क्या है कि कार्बन को लेते हैं, इसीलिए हम इजीली इनको क्या करते हैं, हम ड्राई क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ये हाईली रेजिस्टेंट है, इसलिए हम इसको आराम से धो सकते हैं। भैया अगर नहीं होता रेजिस्टेंट तो हम इसको ड्राई क्लीन करते, पता चला कि अलग अलग हो गए। आइए फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेम एज कॉटन, कॉटन की तरह सेम। कॉटन में क्या था, सिल्वर फिश करती थी, बट स्टार्ज्ड को, बताया था ना आपको कॉटन में कि भैया सिल्वर फिश अटैक करती है स्टार्च को, बाकी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं करता। ठीक है, अटैक नहीं करता कॉटन के ऊपर। तो इसी तरह से सेम है हमारा फ्लेक्स पे भी, कि सिल्वर फिश खाती है जो स्टार्च होता है फ्लेक्स के अंदर, बाकी हमारा फ्लेक्स सही है, कोई हमको इंसेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर है, इंसेक्ट्स डू नॉट अटैक फ्लेक्स फाइबर बट डैमेज बाय मेल्ड्यू एंड फंगी। फंगी और जो मेल्ड्यू है, इनसे क्या है हमारा डैमेज होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आगे आने वाले समय में हम जो आगे लेक्चर आएगा उसमें हम वूल को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम वूल, सिल्क एंड हमारे जो जितने भी हमारे मैन मेड जो उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, मेन हमारे चार फाइबर्स हैं नेचुरल। ठीक, इन चारों को डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम इनको आगे हम मैन मेड में जाएंगे, और देन आफ्टर आपके डिस्कशन होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। ओके, तो आई होप अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा अगर कोई